हम अभी निज़ामुद्दीन से जब अक्षरधाम जाते हैं और यमुना का पुल ख़त्म होता है तो उस जगह पर हैं, यमुना के फ्लड प्लेन में। ये नदी से दूर हटकर जो गाइड बंद है उस जगह पर है। यहाँ पर ये मेट्रो की लाइन गई हुई है और ये नदी का जो ओरिजिनल फ्लड प्लेन रहा है वो इस तरह का रहा है। और जब ये मेट्रो के लाइन का काम चला है और बाद में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन डेब्रीज को यहाँ पे डंप किया गया है। अभी ये देखिए, ये मेरे जो सामने जो ये ढेर लगा हुआ है वो 4 फीट के करीब होगा कम से कम। देखिए अभी इस पे चढ़ के जाना पड़ता है। ये तो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फ्लड प्लेन को अब्यूज किया गया है। तीन चार फीट तक रेज कर दिया गया है और फिर उसको लेवल कर दिया गया। और ये सब पिछले 2-3 सालों में हुआ है ऐसा लग रहा है। पेड़ का जो ट्रंक का रूट है, बेस है, वहाँ पर है और जो ग्राउंड लेवल है वो यहाँ आ चुका है। मेट्रो का P14 है, पिलर 14, ये ठीक गाइड बंद पे है। अब गाइड बंद से ठीक आगे करीब करीब 15 मीटर का एक और स्ट्रेस बना दिया गया है मलबा डंप करके और उसको वहाँ लेवल कर दिया गया। हम अभी सराय काले खां के अपोजिट में जो यमुना नदी का फ्लड प्लेन है वहाँ पर है। ये यमुना नदी के ठीक पास में ही ये एरिया है पूरा। और फरवरी माह में हमने देखा था कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का मलबा गिराया गया है। दूसरा भी जब ब्रिज बने थे उनका भी मलबा छोड़ा गया है और उसके लिए हमने जो एजेंसीज हैं DDA NGT की मॉनिटरिंग कमेटी उनको लिखा था, उनको बताया था कि ऐसा अब्यूज़ हो रहा है यमुना फ्लड प्लेन का और रिवर बेड का, तो उसको वो देखें। तो 3 हफ्तों को तक उसको परस्यू करने के बाद हमें बताया गया कि हटा दिया गया है मलबा। और इस बीच में लॉकडाउन रहा और पॉसिबल नहीं हो पाया यहाँ पे आके चेक करना देखना। हम फिर से इसी जगह पहुँचे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये मलबा हटाया नहीं गया है, उसको लेवल कर दिया गया है। बहुत कम मात्रा में उठाया गया है और ज़्यादातर मलबा लेवल कर दिया गया है। ये 15-20 एकड़ का एरिया होगा पूरा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ये लेवल कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ मलबा नहीं डालना है, वो खुद एक मलबे के ढेर पे ही लगा हुआ है। वो बोर्ड आज भी वैसे ही लगा हुआ है। तो जिससे पता लगता है कि मलबा यहाँ से हटाया नहीं गया है बल्कि वैसे ही। इस बोर्ड के ठीक आगे अगर हम जाते हैं तो 3-4 फीट नीचे एक गहराई है जो नदी का पहला का फ्लड प्लेन रहा है, पहला स्वरूप जो रहा है वो है। तो ऐसा स्पष्ट है कि 3-4 फीट जो है मलबा डाल दिया गया है। आप ये देखिए, ये जो धतूरे का वेजिटेशन है कितना नीचे इसका रूट्स हैं, और भी नीचे जाना पड़ता है। वहाँ नदी का जो है ओरिजिनल रिवर बेड रहा है, ओरिजिनल लेवल रहा है,
और उसके बाद ये आप देखिए कि ये जो बोर्ड लगा है इसकी हाइट और ये इस जो वेजिटेशन है इसकी हाइट बराबर है, और ये वेजिटेशन जो 4 फीट नीचे जो गहरा गड्ढा वहाँ से आ रहा है, और ये बोर्ड जो लगाया गया है मलबे के ऊपर लगाया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मानसून का समय है तो घास उगाई है, पर ये बोर्ड खुद मलबे में लगा हुआ था। ये नदी का पुराना रिवर बेड का लेवल है, यहाँ की वेजिटेशन भी दूसरी है। ये यहाँ पर पानी भी है, और इसके बाद इस क्षेत्र में 3-4-5-5 फीट तक जो है मलबा डाल दिया गया, उसको हटाया नहीं गया। ये जो मेट्रो की लाइन गई है ये अपने साथ में आगे तक नदी तक एक एम्बैकमेंट सा बनाते हुए ले गई है। ये जो कंस्ट्रक्शन का मलबा डाला गया है नदी के ठीक मुश्किल से 10 मीटर दूर होगा, जो एक्टिव करंट है वहाँ तक इसको डाला गया है। मेट्रो का P9 पिलर नदी के अंदर, और उसके बाद पूरा एम्बैकमेंट सा बनाया गया है मलबा डंप कर जो आगे गाइड बंद तक जाता है, पिलर नंबर 14 तक। इतने सारे पुल बनने का एक ही जगह पर, और मलबा डंप करने का जो नुकसान हो रहा है उसका सबसे जीता जागता उदाहरण जो है वो ये धारा है। ये भी यमुना नदी का एक चैनल रहा है और सक्रिय बहाव क्षेत्र रहा है। 2010-11 में मैंने नदी को यहाँ से बहते हुए देखा, और बाढ़ के बाद ये नदी में मिल जाता है, पर अब ये नदी से बिल्कुल कट चुका है। ये पुलों के दौरान, पुल बनाने के दौरान जो मलबा डंप हुआ है और बाद में जो मलबा डंप हुआ उसकी वजह से अब ये धारा नदी से बिल्कुल टूट चुकी, कट चुकी। नदी शायद ही अब इस तरफ